बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवाए शहर न्यूज़ और मैं हूं इमरान खान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूं किस्सा एकेडमी मियाँ वाली के ऑफिस में। हमारे साथ आज मौजूद हैं किस्सा एकेडमी के डायरेक्टर माजिद जहांगीर खान। हम उनसे पूछेंगे, सर मेडिकल और डेंटल कॉलेज का एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी आपका। उसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि एमडी गैट का जो पेपर 22 सितंबर को हुआ था उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट हुआ था उसके रीकंडक्ट करने का उन्होंने हिदायत जारी किए। तो उसके बाद अब ये 4 हफ्तों में उन्होंने टाइम दिया है, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 24 नवम्बर दी जा रही है, तो वो दोबारा रिकंडक्ट होने जा रहा है जी। अच्छा सर, हम बताइएगा क्या ये सिर्फ फेडरल बोर्ड के बच्चे देंगे या पंजाब के बच्चे भी दे सकते हैं? सर वाकई आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर प्रॉब्लम बच्चों के माइंड में है कि इसमें सिर्फ फेडरल का है, क्योंकि सर इसमें मैं क्लियर करता चलूं कि जो पीएमडीसी है सर वो हर सूबे को अपना अपना एक मेडिकल यूनिवर्सिटी देती है जो टेस्ट कंडक्ट करती है। अब जो पंजाब के बच्चे थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर ये पेपर दे रहे थे एमडी गैट का, लेकिन जो फेडरल बोर्ड के थे बच्चे जितने भी उस बोर्ड के बच्चे थे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही थी पेपर। तो अब उसमें जब जो फेडरल बोर्ड के बच्चे थे उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारा पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए, तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने ये फैसला दिया है कि वाकई पेपर में प्रॉब्लम्स थे तो आप बच्चों का दोबारा पेपर कंडक्ट करें। तो उसके लिए बच्चों को जो पंजाब के बच्चे जिन्होंने पहले 22 सितंबर को फेडरल बोर्ड के अंडर पेपर दिया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर, वो ही सिर्फ एलिजिबल होंगे अब दोबारा टेस्ट देने के। जिन्होंने यूएचएस के अंडर टेस्ट दिया था वो अब दोबारा टेस्ट नहीं देंगे, चूंकि पंजाब का टेस्ट नहीं होने जा रहा, सिर्फ फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका टेस्ट होने जा रहा है। तो जिन बच्चों ने पहले भी अगर फेडरल बोर्ड यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का अंडर टेस्ट दिया था तो वो दोबारा एलिजिबल होंगे टेस्ट देने के। अच्छा सर, आपके सर ये बताएं मियाँ वाली में फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए कोई तैयारी का प्लान आपके एकेडमी की तरफ से आपने कोई तरतीब दी है? हमारे देखने वालों को काइंडली ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, हमारा जैसे मेगा प्लान हमने लास्ट टाइम भी दिया था जब ओवरऑल जब पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में जब ये टेस्ट कंडक्ट होने गया था तो हमने उस वक्त 5 महीने बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करवाई, उसमें टेस्ट सेशन से सब कुछ था। बिल्कुल उसी तरह से अभी भी चूंकि हमारी एफिलिएशन परफेक्ट अकेडमी लिया और स्पेशली उनकी टीम और डॉक्टर तारिक रियाज भुट्टा, हम उनके बहुत मशहूर हैं कि वो हमारे साथ फुली कोलाबरेट करते हैं, अभी भी हमने उनसे डिस्कस किया है चूंकि हमारे मियाँ वाली में फेडरल बोर्ड के बच्चे मैक्सिमम तादाद में होते हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा प्लान बिल्कुल उसके ऊपर हमने पूरी वर्किंग की है। तो चूंकि 1 महीना और 10 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं जो बच्चों ने 22 सितंबर को टेस्ट दिया था, तो उस दौरान बच्चे बहुत सारे चूंकि आपको पता है जो हमारा पेपर का तरीकाकार था या बच्चों को रिजल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल थे तो बच्चे ज़्यादा होपलेस हो गए या उन्होंने स्टडीज़ को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया। तो अब उन बच्चों को चूंकि दोबारा टाइम मौका दिया जा रहा है, तकरीबन 1 महीना 1.25 महीना उसमें गुजर चुका है और आपको पता है इसमें 1 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने फिर उसी हिसाब से इसको हमने 3 दफ़ा रिवीजन का हमने प्लान दिया है। हमने पहले पूरे सिलेबस को 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उसको 4 हिस्सों में, फिर इस तरह से FLPs। तो हम इंशाल्लाह 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको जुमे वाले दिन से और इंशाल्लाह 22 नवंबर तक, चूंकि हाईकोर्ट ने उनको 4 हफ्तों में ये टेस्ट दोबारा कंडक्ट करने का कहा है और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उन्होंने अपना पोर्टल किया है कि जो लोग दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं, तो अगर उनके मार्क्स पिछले टेस्ट में अच्छे थे तो उसको वो एडमिशन के टाइम यूज कर सकते हैं, या अगर वो समझते हैं कि अब वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं तो उनके लिए मतलब 1 ही साल में 2 दफा ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए फेडरल वालों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, तो इसीलिए हमने ये चाहा कि हम बच्चों का मजीद टाइम घर में बैठ के या वो उनके पास जो मटीरियल है वो घर में बैठ के तैयारी करेंगे तो मजीद उनका टाइम वेस्ट होगा, तो बेहतर है कि वो किस्सा अकेडमी मियाँ वाली में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होते हैं, फिजिकल डिस्कशन होंगी और इवन के उन टेस्ट की डिस्कशन
हम इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे, और हम क्वाइट होपफुल हैं कि जैसे पिछले सालों में हमने बहुत अच्छे नतीजे दिए और इस साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश बच्चों के साथ हमने वो काम किया है कि जो आज तक मियांवाली की तारीख में किसी ने भी नहीं किया, कि जो फ्रेश कैंडिडेट से सिर्फ 3 से 4 महीने हम उनको तैयार किया और उनका टेस्ट सेशन जब कंडक्ट किए और फ्रेश बच्चों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अल्हम्दुलिल्लाह 190+ स्कोर किया है, और UHS के पेपर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 195+ हमारे पास 4 बच्चों ने किया है, उसके अलावा 193, 192, 191, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल हैं कि फेडरल के हमारे बच्चे बहुत कॉम्पिटेंट हैं, अगर उनका टेस्ट सही मानों में हो गया तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे नताइज मियांवाली को देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना किस्सा एकेडमी के डायरेक्टर माजिद जहांगीर ख़ान की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह किस्सा एकेडमी प्रोग्राम भी तरतीब दे रही है और इंशाल्लाह हमारे बच्चे अच्छे नंबरों में पास होंगे और ये पहले भी हमारा रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि मियांवाली में किस्सा एकेडमी नंबर 1 है, ये चाहे 9th की क्लास हो, 10th क्लास हो, किस किस्म की भी ये पेपरों की तैयारी हो, किस्सा एकेडमी मियांवाली में एक अपनी मिसाल रखती है। अब तक के लिए इतने ही, कैमरामैन इमरान अली के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नवाई शरण न्यूज़। अल्लाह।